नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राजधानी रांची में आज सुबह चौंकाने वाली एक घटना घट गई। सरकारी बॉडीगार्ड बलराम इक्का की गोली लगने से मौत हो गई। और रांची में एक सरकारी जज का बॉडीगार्ड बताया गया, जहां उसकी डेड बॉडी मिली वहीं पास में अत्याधुनिक AK-47 राइफल भी थी और मूल रूप से गुमला का रहने वाला था। पहली खबर के बाद रांची पुलिस प्रशासन के कई छोटे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस दंग है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बॉडीगार्ड के घर वालों को इस बात की खबर दे दी गई। पुलिस को उसके परिवार के आने का इंतजार है ताकि उसकी मनोदशा का पता चल सके। मौके पर पहुंचे अरगोड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है। राजधानी रांची में एक साइंटिस्ट योगेंद्र प्रसाद के बंद घर में चोरों ने सेंधमारी कर दी। योगेंद्र प्रसाद बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज में पोस्टेड है। योगेंद्र प्रसाद के अनुसार अपने परिवार के साथ बीते 18 अक्टूबर को वो बनारस गए हुए थे। उनके घर पे ताला लगा हुआ था। उनका घर रांची के कांके थाना क्षेत्र के चौड़ी में है। चोरों ने करीब 20 लाख रुपए के गहने और 3 लाख रुपए कैश उड़ा लिए। साइंटिस्ट योगेंद्र जब वापस लौटे तो घर की हालत देख उनके होश उड़ गए। भागे भागे थाना पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद कांके पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। फुटेज में 6 से 7 संदेही लोग इलाके में घूमते दिखे हैं। डॉग स्क्वाड और FSL की टीम की भी जांच में मदद ली जा रही है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना पुलिस ने 2 बदमाशों राजू मिश्रा और दारा सिंह घटवार को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और 2 खोखे जब्त किए गए। दोनों लूट की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। इस बात का खुलासा आज धनबाद के पुलिस कप्तान संजीव कुमार ने किया। SSP ने मीडिया को बताया कि अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम गठित की गई। गठित टीम ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के छाय गद्दा इलाके में रेड मारी और दोनों को दबोच लिया। पुलिस को दिए बयान में बदमाशों ने खुलासा किया कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को लूटने की फिराक में थे। धराए दोनों बदमाश भूली ओपी क्षेत्र के डी ब्लॉक सेक्टर 5 के रहने वाले हैं। राजू मिश्रा का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी बिहार के मुंगेर जेल जा चुका है। घर में घुसकर डरा धमकाकर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने में वांटेड छोटू खान उर्फ छोटन को अरेस्ट कर लिया गया। राजधानी रांची के नदी ग्राउंड हिंदपीढ़ी में रहता है। उसका एक साथी रिजवान अंसारी उर्फ रिजू भी पकड़ा गया। पनामगुम के आजाद कॉलोनी में रहता है। इनके निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा गोलियां मिली है। गिरफ्तार छोटू खान और रिजवान का पुराना रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया नहीं है। इनके खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में करीब 10 संगीन केस दर्ज है। इस संबंध में रांची के नामकुम थाने में सलीम खान ने केस दर्ज कराया था। बीते 10 अक्टूबर को दर्ज FIR में सलीम ने इस बात का जिक्र किया था, छोटन और रिजू 10-15 बदमाशों के साथ उसके घर के अंदर घुसाए और हथियार का भय दिखाकर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की डिमांड कर दी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी देकर चले गए। जिसे आसरा दिया उसने ही मौत के घाट उतार दिया। 22 साल के रोहित कुमार राम ने अपनी बूढ़ी मकान मालिक संयुक्ता देवी की जान ले ली। इल्जाम है कि उसने महिला पर पहले डंडे से वार किया और फिर तकिया से मुंह दबाकर सदा के लिए उसे खामोश कर दिया। इसके बाद महिला की डेड बॉडी को एक बोरे में भरकर अपनी साइकिल में लोड किया और फिर घर से करीब 2 किलोमीटर दूर डैम में फेंक दिया। इस बात का खुलासा आज गोड्डा के महागामा SDPO SS तिवारी ने किया। SDPO ने मीडिया को बताया कि संयुक्ता देवी के बेटे राजेश पोदार ने बीते 14 अक्टूबर को ठाकुर गंगंटी थाना में मां के गायब हो जाने की दर्ज कराई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर किरायेदार रोहित कुमार राम को उठा लिया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने बताया कि घर में चोरी करते हुए मकान मालिक ने उसे देख लिया था, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। शराब घोटाले के आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को आज ED के स्पेशल जज PK शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया। योगेंद्र तिवारी से पूछताछ के लिए ED को 8 दिनों की रिमांड मिली है। हालांकि ED ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड का आग्रह किया था। अब ED योगेंद्र तिवारी से 8 दिनों तक पूछताछ करेगी। योगेंद्र तिवारी को आज रांची सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। रिमांड की अवधि शनिवार से शुरू होगी। ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक BMP सिंह ने बहस की, जबकि योगेंद्र तिवारी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुमित गड़ोड़िया और रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत सिंह ने बहस की। योगेंद्र पर ED के अधिकारियों की जासूसी कराए जाने का भी इल्जाम है। न लड़ाई हुई थी और न झगड़ा और न ही कोई शिकवा शिकायत, फिर भी न जाने क्यों शादी के ही रोज माधुरी की अर्थी उठी। शादी से एक रात पहले माधुरी बिल्कुल गुमसुम उदास और हताश थी। उसने परिवार के कुछ लोगों से जिक्र भी किया था कि उसे शादी नहीं करनी। माधुरी के गांव में रहने वाले एक लड़के की डेड बॉडी पेड़ से लटकी हालत में मिलने के बाद माधुरी की भी डेड बॉडी घर में फंदे पर लटकती हालत में मिली। घर से लेकर गांव तक तहलका मच गया। जितनी जुबा उतनी तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों का इल्जाम है कि माधुरी जिसे पसंद करती थी उसी से शादी करना चाहती थी। घर वाले और जमाना उसके
बैरी हो गए थे। लोगों ने उसे समझाया कि रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगेगा, रिश्ता किसी भी हालत में मंजूर नहीं। नतीजा माधुरी और धर्मराज की कहानी आगे ना बढ़ सकी और दोनों का राम नाम सत्य हो गया। यह लोमहर्षक घटना बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र के केसरीपुर मचरे के रसौली गाँव से सामने आई है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।